अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉयज द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर्स ऑफ स्टाफ इज 8:7। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉयज आउट ऑफ विच 20 आर रूरल द रेशियो बिकम 5:4 द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज। तो न्यू अर्बन एम्प्लॉयज जो आए कुछ 20 रूरल एम्प्लॉयज आए बाद में, और फिर नए अर्बन एम्प्लॉयज जो आए उन उनकी संख्या पूछी आपसे, उनका नंबर पूछा है। पहले टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 1200 थे। फिर अर्बन और जब अर्बन और रूलर का रेशियो कितना था? 8:7 था। लेकिन कुछ नए एम्प्लॉयज आ गए जिसमें कि 20 रूलर एम्प्लॉयज आए फिर बाद में, और जिसमें कि 20 रूलर एम्प्लॉयज आए और कुछ अर्बन एम्प्लॉयज भी आए, तो रेशियो कितना हो गया? 5:4 हो गया। द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज, पहले तो मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, फिर इसको ट्रिक से बताऊंगा। बिल्कुल 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा कि 8:7 क्या है? अर्बन से रूलर का रेशियो 8:7। 8:7 अभी तक यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज थे टोटल ऑफिस में? 1200। अगर मैं 1200 टोटल एम्प्लॉयज रहे थे इस टाइम पे ऑफिस में, तो मैं जानना चाहूँ 1200 15 की वैल्यू है, 15 की वैल्यू है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 8 की वैल्यू 15 की वैल्यू, यानी कि ये कितने टाइम्स जाएगा? 80 टाइम्स जाएगा। 8 × 80 × 8 यानी कि 640 कितने रहे होंगे? अर्बन एम्प्लॉयज रहे होंगे, और फिर बाद 560 क्या रहे होंगे? रूलर एम्प्लॉयज रहे होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? अब रेशियो कितना हो गया? कुछ अर्बन एम्प्लॉयज भी आए और रूलर कितना रेशियो हो गया फिर इसके बाद? 5:4 हो गया। अगर रेशियो 5:4 हो गया और कुछ रूलर एम्प्लॉयज भी आए, अगर कुछ रूलर एम्प्लॉयज आए तो रूलर एम्प्लॉयज कितने आए हैं? 20 आए हैं। अगर रूलर एम्प्लॉयज 20 आए हैं तो +20 हो गया, ये +20। तो यानी इस टाइम पर रूलर एम्प्लॉयज कितने रहे होंगे? ये 4 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 560 तो पहले से थे, +20 और होगा तो 580, तो 580 रूलर एम्प्लॉयज हो गए। अब मुझे क्या बताना है? नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज जो आए कंपनी में, तो क्या मैं जो बाद में अर्बन एम्प्लॉयज हो गए उनको बता पाऊँ? और पहले मुझे पता था कितने हैं, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कितने नए आए। तो मैं क्या करूँगा? 580 किसकी वैल्यू है? 580 4 यूनिट की वैल्यू है दूसरे रेशियो में। दूसरे रेशियो में 580 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू मैं बताने के लिए क्या करूँगा? × 5। तो इसको जब कैंसिल करूँगा, जब इसको कैंसिल करूँगा तो 1 1 हो गया, ये 1 टाइम्स जाएगा, 3 6 136, तो ये कितना हो जाएगा? 136 × 5 यानी कि 500 और 180 यानी कि 680। 680 हो गया। अब ये 680 हो गया, अगर ये 680 हो गया, 580 तो हो गए 580/4 यानी 1 और 3/8 1 और 1/8 1 1 और 1/8 कितना होगा? 4 टाइम्स जाएगा, सॉरी 1 और क्या कहते हैं 1/8, तो यानी 4 टाइम्स जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये चीज़ कितनी हो जाएगी? 500 + 225 500 + 225 यानी कि 600 500 500 + 225, तो 5 2 7 2 5, तो यानी 7 2 5 हो गए। अब टोटल एम्प्लॉयज कितने हुए अर्बन के? 7 2 5, और पहले कितने थे? 640 थे। अब इस टाइम पे कितने हैं? 7 2 5 हैं, और पहले कितने थे? 640 थे। तो मतलब कितने नए आ गए? कितने नए आ गए? 85 नए आ गए। तो 85 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 85। क्या हुआ? मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने शुरुआत के अर्बन और शुरुआत के रूलर निकाल लिए। तो शुरुआत के रूलर मुझे पता थे, शुरुआत के रूलर 560 हो गए। शुरुआत के अगर रूरल एम्प्लॉय 560 थे तो उसमें 20 ऐड होके बाद वाले रूलर एम्प्लॉयज बन गए, और बाद वाले रूलर एम्प्लॉयज 580। 580 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू बता दी 7 2 5, और शुरुआत के अर्बन एम्प्लॉयज 640 पता थे, बाद वाले 7 2 5 पता थे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 85 का, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 85 का, तो मतलब न्यू एम्प्लॉयज जो आए वो कितने? 85 है। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हुआ। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, वो देखते हैं अभी। अब एक बात बताओ, जब 20 रूलर मुझे पता है 20 रूलर आए हैं, तो टोटल अभी कितने हो गए होंगे? 1220 वो प्लस कुछ अर्बन भी आए होंगे, प्लस एक्स रहे होंगे। अब इतने टोटल एम्प्लॉयज आए होंगे, एक्स मुझे पता नहीं है, एक्स ही तो पता लगाना कितना होगा। इसको भी हटा दो, मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे पता ही नहीं है कौन सा ऑप्शन सही है।
अब इतने एम्प्लॉयज टोटल रहे होंगे, लेकिन टोटल कितने रहे हैं? 9 यूनिट। अब एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉयज कभी भी पॉइंट में हो सकते हैं? कि ऐसा हो कि अर्बन एम्प्लॉयज कभी हो जाए 2.9, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो एम्प्लॉयज हैं, वो तो क्या है, पर्सन्स हैं। पर्सन्स कभी पॉइंट में नहीं हो सकते ना, तो पर्सन कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, तो हमेशा किस में रहेंगे? इंटीजर में रहेंगे, 3, 4, 5। ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा कि 2.5 पर्सन्स, तो और 3.5 पर्सन्स, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब कहने की बात क्या है, ये टोटल कितने यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा? 9 यूनिट को। तो मतलब ये पूरा कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो ये पॉइंट में चला जाएगा, पर्सन पॉइंट में चले जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब अगर इसको 9 से पूरे को वो डिविजिबल होना है, तो 1220 को मैं अगर इसमें पहले 100 ऐड करता हूँ, अगर एक्स को मैं 100 रख के देखता हूँ, मुझे रख के देखना पड़ेगा कि 1220 प्लस 100। अभी तो आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता 9 का, अभी तो आप ऐसे ही रख के देख लो, मैं बताऊंगा। जैसे मैं तो बता दूंगा 5 और 1 6 नहीं होगा, ये वाला नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे करोगे? अभी 12 जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं सारी बातें बताऊंगा। 12 3 अपॉन 9, तो 9 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा अगर पता होगा उनका सम अपडेट, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 6 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। या आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेना कि 100 रख के और नहीं हो रहा है, फिर मैं अभी इसको नहीं रख रहा, ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। फिर मैं क्या रखूंगा? फिर मैं अभी 1 0 8 रख रहा हूँ, तो मैं 1 2 2 0 प्लस 1 0 8 क्या डिविजिबल होगा? जब आप इसको करके देखोगे तो ये वाला तो 9 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आप करके देखोगे तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, फिर मैं सी को रख के देखता हूँ, 1 2 2 0 प्लस 76 अपॉन 9 से अगर ये डिविजिबल करना है, तो 5 5 प्लस 3 5 प्लस कितना होगा, 4 5 प्लस 4, तो ये वाला तो डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये वाला भी आंसर हो सकता है। अब दोनों, ये वाला डिविजिबल हो गया, ये वाला भी हो सकता है, जो कट रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये वाला भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो अब इसको मैंने हटा दिया, अब मैं चेक करूंगा 1 2 2 0 प्लस 8 5। तो जब आप इसको 9 से चेक करोगे तो 5 5, और इधर कितना बचेगा, 14। तो 14 नहीं 14 8 5 85, कितना बचेगा इधर? जब आप इसको भी चेक करोगे तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 5 13 13 4, और ये डिटेल सम इसका 9 9 बनना, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते, लेकिन इनके सभी ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए, सेम नहीं होते, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट बता देता जो ऑप्शन डिविजिबल होगा 9 से वही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं पता है पर्संस कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, तो जब भी ये अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 9 यूनिट को, तो इसको पूरे को किससे जब भी डिविजुअल करेंगे तो एक इंटीजर बचना चाहिए, परफेक्टली डिविजुअल होना चाहिए, पॉइंट में नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए परफेक्टली डिविजुअल तभी होगा जब ये 9 से डिविजुअल होगी ऊपर वाली संख्या, तो दो पॉसिबिलिटी बच रही है इसमें। लेकिन अगर इनके एक ऑप्शन बनता जो कि 9 से डिविजुअल होता, तो हम उसको ही टिक करके आगे बढ़ जाते। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ABC इज 16:12:9 इफ द शेप 20% 25% 40% ऑफ द इनकम, टोटल इनकम ऑफ ABC इज, टोटल इनकम ABC की दी है, तो उनकी इंडिविजुअल इनकम बतानी है। अगर एक बात बताओ, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है और उनकी परसेंटेज दी है, तो अगर मैं उनके इनकम का रेशियो बता दूं, तो वहाँ से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ABC की जो टोटल दी है उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और मैं इंडिविजुअल बता पाऊंगा। तो अब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 16:12:9 दिया है, 16:12:9 दिया है। अब ये क्या एक्सपेंडिचर, अब ये एक्सपेंडिचर है, अगर ये एक्सपेंडिचर है तो मुझे पता है अब कि रेशियो है इसमें किसी भी मल्टी, क्योंकि परसेंट दिख रहा है, परसेंट आसानी से निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, परसेंट आसानी से निकालने के लिए मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रेशियो है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन ऐसी नहीं दिख रही, नहीं मैं 00 से कर देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब 20 पर ये कितना सेव कर रहा है, 20% सेव कर रहा है। तो एक ही इनकम का ही टोटल कितनी होगी, 100% होगी। कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%, और उसने 20% सेव कर दिया, 100 में से 20 सेव कर दिया, तो बचा कितना परसेंट, 80%। तो 80% एक क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। तो मैं ये कहूँ 160 यूनिट में, या 160x क्या होगा, 80%, 160 ये किसकी होगी, 80% ऑफ ए होगा ये। इतनी बात सबको समझ में आती है, क्यों? क्योंकि उसने
80% जब 20% बचा लिया, और 100% में से 20% बचा लिए तो 80% कहाँ गया, खर्च कर दिया। फिर उसके बाद में ऐसे इसमें होगा कि अगर बचा कितना रहा है, 25 बचा रहा है, तो 75 खर्च कर दिया, 75% अब भी। फिर इसमें भी क्या होगा, कितना 60% ऑफ सी। अब मैं ये बोलूँगा 160 यूनिट कितने की वैल्यू है, 80% ए की, तो यानी कि मैं 160 यूनिट या 160 मान लो रेशियो निकालना इज इक्वल टू 80% ऑफ ए अगर है तो ये कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इज इक्वल टू 100% ऑफ ए। इतनी बात समझ में आई, 200 इज इक्वल टू 100% ऑफ ए, और 120 इज इक्वल टू 75% ऑफ बी। तो ये जब 15 से जाएगा तो 8, 8 इज इक्वल टू 5% ऑफ बी। तो यहाँ पे 5 100 बनाने के लिए इसको, क्योंकि कोई ए अपना ही 100% होगा, बी अपना ही 100% होगा, क्योंकि ए बी सी चाहिए मुझे, तो 100%, या मैं ए ही कह दूँ या 100% ऑफ ए कह दूँ, बात तो यही है। तो मुझे 100 बनाने के लिए इसको इंटू 20 करना पड़ेगा, तो 160 इज इक्वल टू 100% ऑफ बी। वैसे ही मैं सी की बात करूं अगर, तो सी का कितना होगा, 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ सी। अब मुझे इसको 100 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 3 से डिवाइड, इसको 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 20% ऑफ बी इज इक्वल टू 30। अगर बी का 20%, अगर सी का 30%, 20% 30 के बराबर है, तो इंटू 5 इधर भी, इंटू 5 इधर भी, तो 150 इज इक्वल टू 100% ऑफ सी। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। अब मुझे क्या मिल गया, इसका भी 100%, इसका भी 100%, इसका भी 100%, मतलब ए इस टू बी इस टू सी कितना हो जाएगा, क्योंकि 100% की बात तो मतलब एक ही ए ही है, ए का 100% क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 1/100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ए बचेगा। इस यहाँ भी 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ भी 100 से 100 कट जाएगा, अगर परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 2200 रेशियो रेशियो 160 रेशियो 150, तो ये आ गया। अब ये 0 0 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 20:16:15। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 31 31 51। अब 51 की टोटल सवाल में वैल्यू कितनी दी है, कितनी दी है टोटल इनकी, टोटल इनकी इनकम कितनी दी है, 51 3570 कितने की वैल्यू है, 51 की वैल्यू है, ये बता चुका हूँ। तो इंटू 20 ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई है, कितनी बार जाएगा, 700 बार जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 14, इतनी 14000 आ गई। ऐसे ही बी की अगर मैं निकालूँ तो बी की कितनी आ जाएगी, अगर 700 अगर एक की है तो बी कितना है, 16 है, तो 16 11 1200 आ जाएगा। ऐसे ही मैं सी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो कहने की बात क्या हुई, मैंने इस सवाल की अप्रोच कैसे ली, मुझे इसकी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, अगर मुझे उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 80 पर अगर 20% खर्च कर रहा है तो 80% ऑफ ए एक्सपेंडिचर हो गया, और एक और रिप्रेजेंट कौन सा वाला एक्सपेंडिचर कर रहा है, इधर वाला, तो 160 इज इक्वल टू 80% ऑफ ए। अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो 100% ऑफ ए चाहिए होगा, तो 100% ऑफ ए कितना हो जाएगा, 200 के इक्वल, और 120 इज इक्वल टू 75% ऑफ बी, तो 8 इज इक्वल टू 5% ऑफ बी, तो 160 इज इक्वल टू 100% ऑफ बी, 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ सी, 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ सी, 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ सी, 100% ऑफ सी इज इक्वल टू 150। अब ए और बी सी का रेशियो निकाल लिया, 20:16:15, तो मतलब टोटल कितना आया, वरना ये 51, 51 कितने की, 3570 कितने यूनिट की वैल्यू है, 51 की, तो ए का शेयर कितना है, 20, तो इतना ए का शेयर हो गया। फिर बी का अब मुझे पता चल गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 700 है, तो 700 × 16 कितना हो गया, बी का शेयर हो गया। ऐसे ही सी का शेयर निकाल लेंगे, 700 × 15 यानी कि 10 0 10 100 10,500, मतलब 10 10 10 1500 सी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से समझ में आ गया, और भी इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं, अभी मैं यही तरीका बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा कोई समझ है नहीं इसकी। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5। मतलब ए बी सी की लास्ट ईयर का रेशियो कितना है? 3:4:5। वाइल द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज, मतलब ए का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी का रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द रेशियो, इफ द देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज 900, वो 98,500, देन फाइंड करंट ईयर इनकम ऑफ बी प्लस सी। अब बी प्लस सी की करंट ईयर इनकम मैं कब निकाल दूंगा? जब ए टू बी टू सी मुझे पता लग जाए करंट का, तो मैं उसमें से बी प्लस सी को डिवाइड कर सकता हूँ, टोटल में से बी प्लस सी की इनकम निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो एक तरीका ये है कि 3:4:5 क्या थी लास्ट ईयर की इनकम। अगर 3:4:5 लास्ट ईयर इनकम थी, ए बी और सी की 3:4:5 अगर लास्ट ईयर इनकम थी ए और बी सी की, तो मैं क्या करूँ, इसको 3x मान लूँ, 3x, 4x और 5x मान लूँ। अगर 3x क्या थी, 4:5 को रिप्रेजेंट कर रही ए में, तो ए करंट इनकम क्या होगी, ए की करंट ईयर इनकम क्या होगी कि 3x किसकी वैल्यू रही होगी, क्योंकि 4 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लास्ट ईयर को और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। तो 3x/4, 3x 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी। फिर उसके बाद में 20 करंट ईयर इनकम, बी की करंट ईयर की इनकम क्या रही होगी, बी की करंट ईयर की इनकम की बात करें अगर, तो 4x थी लास्ट ईयर की, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, 2 यूनिट को। तो 3 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 से कट जाएगा, तो 6x। और ऐसे ही सी की, ऐसे सी की करंट ईयर की इनकम क्या होगी, क्योंकि 3:4 यहाँ पे 3 लास्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5x अगर लास्ट ईयर की इनकम थी, जो कि यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, और 4 क्या है इसकी करंट ईयर की इनकम है, जो कि क्या हो जाएगी, 20x/3 के इक्वल हो जाएगी। अब ये 20, अब a:b:c क्या करंट का रेशियो ए, अब मैं बताऊँ अगर, अब क्या करूँगा, मैं इधर लिखता हूं a:b:c करंट ईयर का रेशियो। तो ए की करंट ईयर की क्या बन रही है, 15x/4। जब मुझे पता है एक्स एक्स कट ही जाना, तो मैं एक्स अपन लिख ही नहीं रहा, 15/4 6:20x, 20/3। अब ए अपॉन में 3 बनना है इधर, 4 और 3, तो इसको हटाने के लिए मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऊपर जब 12 से मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 12/4 कितना रह जाएगा, ऊपर 3, तो 15 × 3 यानी 45, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 45। और ये जब इधर भी 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो 72, इधर 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 3 12 4 बचेगा इधर, 20 × 4 यानी कि 80। अब ये किसी से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये अब किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो कितने यूनिट बन गए, ये कितने यूनिट बन गए, 162 और 45, 162 और 45 यानी कि 207, 207 यूनिट बन गए। तो यानी कि 2985 जो कि करंट ईयर की इनकम दी है, वो किसके इक्वल है, 207 के इक्वल है। तो हमें कितने की पूछी है, बी प्लस सी की, बी प्लस सी किसके बराबर बनना है, 162 के बराबर। अब बी प्लस सी 162 के बराबर बनना है। अब ये कितने टाइम जाएगा, ये 5 यानी कि कितने टाइम जा सकता है, 985 बनना है, तो 985 कितने टाइम्स जाएगा इसका, ये 9, ये भी 9 बनना है, तो ये पहले तो 9 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये 23 और ये 18। फिर अब ये 23 से कटेगा क्या, 23 से कैंसिल होना चाहिए इसको, तो 23 से इसको कैंसिल होने के लिए 92 92, फिर 65 बचेगा, 65 बचेगा, हाँ फिर 65 बच जाएगा। फिर 65 में क्या बचेगा, 65 में 46 चला जाएगा, 46 में 65 में क्या चला जाएगा, 46, 46 में फिर कितना बचेगा, 190, तो 190 चला जाएगा इधर, 19, तो यानी ये कैंसिल नहीं हुआ, तो
इसी फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा। या हमने कहीं दिक्कत तो नहीं की, और क्या दिया था सवाल में, सवाल में क्या दिया था, सवाल में दिया था 3:4:5, फिर 4:5, 2:3, 4:5, 2:3 और 3:4, 3:4 ठीक है, यहाँ तक सही है। तो फिर 3x कितने की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू मुझे बतानी है, तो 15x/4, 15/4 सही है यहाँ तक। बी की करंट ईयर बतानी है, बी की यानी कि 4x को अगर रिप्रेजेंट कर रहा था कौन, 2 रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 3 को 6x ही करेगा। फिर सी की करंट ईयर की इनकम अगर पूछी जाए तो 5x थी पिछले साल की, तो 5x/3 जो कि 3 यहाँ पे हो गया, इंटू 4 तो 20/3, तो 20/3 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो 12 से ये कट जाएगा तो 45, और ये 12 से 72, और ये भी 12 से करेंगे तो ये 4 बचेगा ऊपर, इंटू 80। अब ये कितना बचा, ये कितना हो गया, 152 प्लस 45, 152 प्लस 45, ये 197 होगा, गलत हो गया, ये 197 और ये यहाँ पे ये 152 होगा। वन फिफ्टी टू ही तो बी प्लस सी है, 152। अब ये 197 ये कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, 5 00 बच जाएगा यहाँ पे, और 152 × 5 00 तो ये कितना हो जाएगा, 01627 76 00, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का शेयर क्या था, 76 00, और यही क्या हो गया, इनका आंसर हो गया। तो बी प्लस सी का शेयर क्या मिल गया, 76 00। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसका दूसरे मेथड की बात करें तो वो कुछ ऐसे होगा, दूसरा मेथड थोड़ा है तो सही, लेकिन यहाँ पे 3 रेशियो को बैलेंस करने में मुश्किल पड़ेगा थोड़ा। मैंने पहले ही बताया था कि मेथड सवाल टू सवाल वेरी करेंगे, लग तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो इक्वल बनाने वाला, लेकिन उसमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब अगर बात करें इसके दूसरे मेथड की तो कैसे होगा, वो लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो क्या दिया है, थ्री इज टू 4:5 दिया, लास्ट ईयर की इनकम को ध्यान से देखना, 3:4:5 दिया है, लेकिन एक ही लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम क्या दिया, 4:5 दिया। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, लास्ट को या किसको, करंट को। ऐसे बी का दिया है कुछ, और बी का क्या दिया है, 2:3, यहाँ पे भी ये लास्ट को ये करंट को, अभी समझ लेंगे। और यहाँ पे दिया है क्या, बी का दिया है और ये सी का दिया है, सी का क्या दिया, 3:4 दिया है। अब ये लास्ट और करंट का रेशियो दिया। अब यहाँ पे लास्ट ईयर की इनकम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, यहाँ पे 4, दोनों अलग अलग है, सेम होना चाहिए। 4 और 3 को क्या बनाऊंगा मैं, 12, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा इसमें और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी दूर दूर, जिससे आपको क्लियर दिखे। अब एक ही लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो क्या दिया है, 4:5 दिया। यहाँ पे ये क्या लास्ट है और ये क्या करंट है, ये क्या लास्ट ईयर इनकम है, ये क्या करंट ईयर इनकम है, और ये टोटल एक इसका रेशियो दिया लास्ट ईयर इनकम का लगा है। तो बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, और सी का क्या दिया है, सी की अगर मैं बात करूँ तो 3:4। अब ये हो गया, अब यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम एक ही ईयर रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि यहाँ पे एक लास्ट ईयर की इनकम ये को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, सेम होना चाहिए, तो सेम क्या बनाएंगे, इसको 12 बनाओ पहले, × 4 × 4 सब में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे × 3 × 3, अब ये वाला सेम बन गया। लेकिन यहाँ पे बी की कितनी है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे बी की 2 है, तो 16 और 2 का एलसीएम क्या बनाया जा सकता है, 16, तो वो तो पहले से ही 16 है, इसको 16 बनाने के लिए × 8 × 8। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये 20 है, ये यहाँ पे 3 है, अब 20 और 3 को सेम कैसे बनाया जा सकता है, 20 और 3 को सेम बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, 20 और 3 को सेम बनाने के लिए अब 60 बनाऊँगा पहले इसको मैं, तो × 20 और × 20,
अब ये 60 हो गई, लेकिन ये तो कितनी है, ये तो कितनी है 20 है, तो इसको 60 बना लेंगे, इंटू थ्री बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला था इंटू थ्री। अब क्या होगा, अब ये वाला तो ये 12 है तो ये 36 है, अब इसको फिर से सेम बनाना पड़ेगा, 36 और 12 को क्या बनाना पड़ेगा, 36, तो इंटू थ्री फिर इंटू थ्री, अब ये सेम हो गया। अब ये 16 और 8, ये क्या बन गया 4, ये क्या बन गया 16, 33 जा 48 बन गया, और ये 16 है तो इसको भी इंटू थ्री, इसको भी इंटू थ्री, अब ये सही बन गया, अब ये रेशियो सही होगा। अब इसके ये क्या करंट ईयर की इनकम, अब यहाँ से इसका रेशियो देख लेंगे, 5 × 3 इंटू थ्री जो ये को रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ईयर की इनकम है, ये ध्यान रखना करंट ईयर, आप 5 × 3 × 3 कितना होता है 45, और 8 × 3 × 3 यानी 72 2, ये 80, और पिछले वाले केस में जब आप रेशियो देखोगे तो तब भी यही आ रहा होगा जो मैंने इधर सॉल्व करा था, तो पिछले वाले केस में भी यही रेशियो आएगा। अब यहाँ से रेशियो से वही कर लेंगे, 9850 किसकी वैल्यू है, ये 197 बनना था, ये भी 197 ही बनना है, 9850 197 की वैल्यू है, और हमें तो कितने की चाहिए, 152 की चाहिए, तो यहाँ से ये 50 हो जाएगा और ये 76000 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब वही रहता है, मैंने तो अभी इसमें सेट कर दिया, तो आपको ये देखना है सवाल टू सवाल कि कौन सा तरीका बेटर रहेगा, इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जो मैं शीट दे रहा हूँ वो आपके लिए सफिशियंट है, इसको ही आप 2-3 बार करें और वीडियोस को 2-3 बार देखें, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम 100%। अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो कॉइन्स पे बेस्ड हैं, ये जो कि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर रेशियो के, द रेशियो ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे इन ए बैग इज, ये कॉइन्स का रेशियो दिया है आपको, कॉइन्स यहाँ पे लिख लेना, 50 पैसे कॉइन्स, कॉइन्स इन ए बैग इज, यहाँ पे कॉइन्स लिख लेना, ये कॉइन्स का रेशियो दिया है आपको, कॉइन्स का रेशियो दिया है एंड टोटल अमाउंट इज 206, देन फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, तो हर टाइप के नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे कोई अमाउंट बनती है उससे पहले एक चीज सीख लेंगे, अमाउंट कैसे बनती होगी मुझे एक बात बताओ, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन ऐसे ही तो बनती होगी। अगर एक टाइप के जैसे मान लो यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन है और 100 कॉइन्स है, तो आप बता दो कितने रुपए बन गए, 100 रुपए बन गए, 100 रुपीज़ बन गए, लेकिन अगर वहीं यहाँ पे 25 पैसे का कॉइन है, तो यानी 1/4 रुपीज़ का कॉइन है इंटू 100, तो कितने बन गए, 25 रुपीज़ बन गए, तो और यहीं आप यहीं अगर 10 पैसे का कॉइन है तो 1/10 रुपीज़ इंटू 100, तो एक 10 रुपीज़ बन गए, इतनी बात सबको समझ में आती है, तो इसी चीज़ का हम ऊपर यूज करेंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू वैल्यू ऑफ कॉइन्स, अगर 1 रुपए का एक से अगर एक कॉइन की वैल्यू, हर कॉइन की वैल्यू 1 रुपए है तो 100 कॉइन है तो कितने होंगे, 100 रुपीज़ होंगे, और अगर हर कॉइन की वैल्यू 25 पैसे है यानी कि 1/4 रुपीज़ हो गई, 1/4 रुपीज़ हो गई, ये तो सबको पता होगा कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1/4 रुपीज़ हो गई, और यहाँ पे 1/10 रुपीज़ हो गई, तो 10 रुपीज़ इसकी वैल्यू हो गई और उसकी हो गई, तो इस ये बात तो समझ में आई होगी। अब इसी का यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं सवाल में, अब इस चीज का यहाँ पे यूज कैसे होगा, कि पहले तो ये बताओ कि कॉइन्स का रेशियो कितना दिया है, 5:9:4, इसके मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा इसका, क्योंकि आपको फिर याद रखने में दिक्कत होगी, 5:9:4 ये क्या है, रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। आप एक बात बताओ, जो टोटल अमाउंट दी है वो कैसे बनी होगी, अगर 50 पैसे के कितने कॉइन है, 5, 9, तो यानी कॉइन्स की संख्या कितनी रही होगी, 5x, 9x और 4x, यही तो रही होगी, ये बात सबको समझ में आती है, और एक कॉइन की कीमत 50 पैसे है यहाँ पे, यानी कि रुपए में बात करूँ तो रुपए पैसों को रुपए तो सबको बनाना आता होगा, अगर 50 पैसों को रुपए में बनाने की बात करूँ तो 50/100, तो ये कितना हो गया, 1/2, यानी कि 1/2 रुपीज़, ऐसे ही मैं 25 को अगर रुपए में बनाऊंगा तो 25/100, तो यानी कितना हो गया, 1/4,
ये रुपीस में हो गया, ये किस में थे, पैसे में थे, ये रुपीस में हो गया, ये पैसे थे, ऊपर वाले, ऊपर वाले कैसे क्या थे, पैसे थे। तो 50 पैसे इज इक्वल टू 1/2 रुपीस हो गया, ये बात सबको समझ में आई, कैसे करते हैं 100 से डिवाइड देते हैं। और अगर वहीं अगर रुपए दिए हों तो उनको पैसों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रुपए को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 100 करके। जैसे 2 रुपीज़ दिए आपको, 2 रुपीज़ को आपको पैसे में पूछा, तो 2 रुपीज़ को पैसे में पूछने के लिए ये रुपीज़ किसके इक्वल होगा, 2 × 100 पैसे के इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 200 रुपीज़, 200 पैसे के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको सबको आती होगी। तो अब इसी बात का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, और क्या कहते हैं, अगर 50 पैसे है तो 50 पैसे की वैल्यू कितनी होगी, 50 पैसे की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पर क्या लगेंगे, वैल्यू ऑफ कॉइन, वैल्यू लिखते हैं एक कॉइन की। 50 पैसे के कॉइन मतलब क्या है, ये पहले दिया जो ये 5 यूनिट है, 5x है, तो 5x है, तो 50 पैसे को रुपए में क्या लिखेंगे, 1/2 रुपीस, 1/2 रुपीस, क्योंकि रुपए में ही दे रखा है, जो अमाउंट दे रखा है टोटल, टोटल अमाउंट इज रुपीस, यहाँ पर रुपीस कर लेना, और नहीं भी लिखा है तो रुपीस 206, तो 1/2 रुपीस हो गया ये, और ये कितना हो गया, 1/4 रुपीस, वो वाला कितना हो गया, 1/10 रुपीस, अभी रुपीस में हो गया। और नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू वैल्यू क्या होती है, ये अमाउंट होती है, तो 5x × 1/2, तो यानी 5x/2, और ये रुपीज़, रुपीज़ सब में से कॉमन आ जाएगा, 12 आ जाएगा, उधर वाले रुपीज़ से कट जाएगा, 9x/4 प्लस 4x/10 इज इक्वल टू 206। अब ये रुपीज़ थे, वही यहाँ के भी रुपीज़ थे, इधर भी रुपीज़ लगा था, रुपीज़ से रुपीज़ उड़ गया। तो अब 4 और इसका एलसीएम क्या होता है, 20, तो 20 अगर इसका एलसीएम मान लिया तो इसको फोर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20 का एलसीएम मान लिया तो ये 50x कैसे, 20 कर लिया, 20 तो ये 10 जा जाएगा, तो सबको एलसीएम और फ्रैक्शन तो निकालना आता होगा, 20 तो ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, तो यानी 50x, ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स यानी कि 9x × 5 यानी कि 45x, और ये 2 टाइम्स जाएगा यानी कि 8x इज इक्वल टू 206, कितना हो गया, 95x प्लस 8x 103x इज इक्वल टू 206 इंटू 20, 206 इंटू 20, तो 103 से ये कट गया 2 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, और सिक्कों की संख्या कितनी थी, 5x 9x और 4x, तो जो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 5 × 40 यानी कि 5 × 40 यानी कि कितने, 200 सिक्के थे, 200 हो गए, और 9x यानी कि 9 × 40 यानी कि 360 सिक्के थे, और 4x कितने हो गए, अब 160 सिक्के हो गए। ये हुआ इस क्वेश्चन को तरीका, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता रहा क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, नहीं तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। कैसे करा हमने, 5x to 9x to 4, 5x टोटल कॉइन्स माने किसके, 50 पैसे के, 9x टोटल कॉइन्स माने किसके, 25 पैसे के, 4x टोटल कॉइन माने 10 पैसे के, फिर इनको पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर लिया, तो अमाउंट दिए क्वेश्चन में तो उसको इक्वेट करना है, तो अमाउंट 5x × 1/2 रुपीज़, 5x × 1/2 रुपीज़ यानी 5x/1/2, ये किसके द्वारा अमाउंट हो गई, ये अमाउंट हो गई जब किसके सिक्कों के द्वारा, 50 पैसों के द्वारा, प्लस 25 पैसे के सिक्के कितनी अमाउंट बनाएंगे, 9x सिक्के थे, 1/4 एक की वैल्यू है, तो 9x/4 हो गई, और 4x/10 इसकी हो गई 10 पैसे की, तो इज इक्वल टू 206, रुपीज़ से रुपीज़ इधर से उधर कट गया, और रुपीज़ से रुपीज़ कट गया तो ये 50x, अब ये एलसीएम ले लिया, और ये 103x इज इक्वल टू 206 × 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो 5x इज इक्वल टू 5 × 40 इज इक्वल टू 200, और 9x इज इक्वल टू 360, 4x इज इक्वल टू 160, और ये सिक्के आ गए 200, 360 और 160। अब इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो मैं इसको डायरेक्ट समझाऊंगा, रेशियो ऑफ कॉइन्स यहाँ पे लिख दूंगा मैं, रेशियो ऑफ कॉइन्स कितना दिया है, 2:3:4,
और वैल्यू ऑफ कॉइन कितनी दी है, 1 रुपीज़ के कॉइन दिए हैं, 1 रुपीज़, और 50 पैसे यानी 1/2 रुपीज़, और 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपीज़, इतनी वैल्यू दी है। अब 2x टोटल, अब सिक्के पूछें तो इसको 2x, 3x और 4x मान लो, 2x, 3x, 4x मान लिया तो अब क्या कहते हैं अमाउंट किसके इक्वल होगी, अगर 2x सिक्के हैं और 1 रुपये का एक सिक्का, तो 2x रुपीज सिक्के की अमाउंट हो गई जो एक ही सिक्के, जो 1 रुपये के सिक्कों के द्वारा बनी है, 2x हो गई। फिर 3x/2, ये 50 पैसे के सिक्के के द्वारा अमाउंट हो गई, प्लस एक इधर क्या है 4x, ये क्या है 4x, तो 4x/4 यानी कि x, और ये रुपीज़ बन गया था इधर, और इधर भी रुपीज़ दिया तो रुपीज़ रुपीज़ उड़ गया। एक ही यूनिट में बनाना है हमेशा याद रखना है, या पैसे में भी कर सकते थे, इसको पैसे में बना लेते उसको पैसे में, लेकिन ऐसा नहीं, इसको रुपए में आधे को पैसे में, तब नहीं हुआ, सबको सेम यूनिट में लेके चलना है, तो मैंने सबको रुपीज़ में बना लिया। फिर अब क्या करेंगे, अब 2 LCM ले लिया यानी कि 4x+3x+2x=360, तो x की वैल्यू 9x=360, x की वैल्यू = 40, x की वैल्यू 40 आ गई, तो यहाँ पे 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2 × 40, और 3 आधे रुपये यानी 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 3 × 40, और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 × 40, तो 200, 120, 160 आप लिख लेना। अब मैं अगर बात करूं, ये वाला मेथड हो गया, अगर मैं दूसरे मेथड से बात करूं, मैं इसको कैसे करता है, आपको वो शायद समझ में ना आए तो देख लो एक बार, कि और भी मेथड हो सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि शायद समझ में आ जाए, जिसके समझ में आ जाए उसके लिए बेटर ही रहेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर रेशियो कितना दिया, 2:3:4 दिया है। अब ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रुपये के सिक्कों को, ये 1/2 रुपये के सिक्कों को, ये 1/4 रुपये के सिक्कों को। तो जब मैं अमाउंट बनाऊंगा तो मैं सोचूंगा अमाउंट फ्रैक्शन में ना बने, क्योंकि कैलकुलेशन टिपिकल हो जा रही थी 2/2, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बना देंगे तो वो फ्रैक्शन में नहीं बचेगा, और अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो 4 होंगे तो वो फ्रैक्शन में नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से 1/4 कट जाएगा तो वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँ, ये तो फ्रैक्शन में नहीं बचेगा क्योंकि 1/4 तो 4 से कट जाएगा, अब ये 6 है, इसको मुझे 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 50 पैसे हैं तो 1/2 होता है, अगर ये 2 का होगा तो उससे वो कट जाएगा और फ्रैक्शन में नहीं बचेगा। तो कॉइन्स के अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो पिछला ही मेथड यूज करेंगे। कॉइन्स रेशियो क्या होगा, क्योंकि रेशियो पर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता या डिवाइड करने पर, तो मैंने क्या लिख दिया, 4:6:8। अब वैल्यू कितनी थी, अब वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/2, 1/4। अब मैंने जब इसको इंटू किया, इसको इसके इंटू, इसको इसके इंटू, क्योंकि तभी अमाउंट निकलेगी, तो 4+3+2, अब ये देखना अब ये फ्रैक्शन में नहीं बचेगा, = 360। अब मुझे पता है ये क्या है, यूनिट है, अब मैं दिमाग में ही लिख लूँगा, ये यूनिट है, दिमाग में ही समझूंगा, मुझे बार बार नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, इतनी प्रैक्टिस होने के बाद, ये यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 360 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 40 के बराबर, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर आ गई तो सिक्के कितने होंगे, 40 × 4, 60 × 4, और हाँ, और कितना हो जाएगा ये, 60 × 4 नहीं, सॉरी गलत हो गया, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर आ रही है तो ये सिक्के कितने होंगे, 40 × 4+6 × 50, और ये कितना होगा, 6 × 40, और ये कितना होगा, 8 × 40, इतने सिक्के आ जाएंगे, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 9 यूनिट की वैल्यू 360 के बराबर, 9 यूनिट यहाँ पे भी यूनिट लगा होगा, 4x, 4x या 6x, 8x, तो ये कितना बचेगा, 4x बचेगा, ये 3x बचेगा, और ये 2x बचेगा, तो ये कितना, 9x हो जाएगा, 9x किसके बराबर दिया, सॉरी 180 के इक्वल दिया है, इस केस में गलती हो गई, ये 180 रुपये के बराबर दिए हैं, ये 180 रुपीज़ दिए हैं, और ये कितने 9x रुपीज़ बन जाएंगे, तो वो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से फिर से लिखता हूँ मैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिमाग में ही करना ही है ये चीज़, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी तो उस केस में 4+3 यहाँ 20 आ जाएगी, तो 4 × 20, और ये 6 × 20,
और ये 8 into 20, तो 80, 120 और 160 आंसर आ जाएगा। लेकिन पिछले केस में क्या रहा था उसको भी मैं निकाल के बता देता हूँ। पिछले केस में जाने में जैसे मैंने सिक्के कितने माने, तू पिछला केस वैसे तो मैंने लिख दिया है, लेकिन अभी आप पिछले आप नोट डाउन कर लेना पिछले से, लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूँ कि वही आंसर आएगा। ये 1/2 वैल्यू और ये कितनी वैल्यू, 1/4 वैल्यू, तो ये 2x प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3/2 + 1 और ये एक्स कॉमन और ये 180। ये अगर 180 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 यानी 9, 9x और ये कितना हो जाएगा, 360। तो x की वैल्यू 40 आ गई। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो 2 × 40 क्या होता है, 80। 3 × 40 क्या होता है, 120। 4 × 40 क्या होता है, 160। तो भाई सेम आंसर आएगा। नहीं, पिछला वाला मेथड ही अगर आपको समझ में आ रहा है वही बेस्ट है, वो एक बेसिक मेथड है उसको। अब जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे मेथड आपके मन में आने लगेंगे। ये मेथड, ऐसे मेथड से सवाल आसान हो जाता है, और लेकिन आपको अभी बेसिक मेथड ही अपनाना है। तो ये हुआ ये वाला, ये कॉइन्स का लास्ट क्वेश्चन है और इससे हमारी कॉइन्स की सारी टाइप कवर हो जाएंगी। क्या दिया, ए बैग कंटेंस 378 कॉइन्स, रुपी 1.50 एंड 25 पैसे कॉइन्स, द रेशियो ऑफ देर, इस बार अमाउंट का रेशियो दे दिया है और आपसे कॉइन्स कॉइन्स का नंबर पूछा है। अब आप एक बात बताओ, अमाउंट किसके इक्वल होता था, मैंने भी बताया था अमाउंट इक्वल होता था नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू वैल्यू ऑफ कॉइन, वैल्यू ऑफ वन कॉइन, इसी के तो इक्वल होता था। अभी मैंने आपको समझाया अभी था वैल्यू ऑफ वन कॉइन। अब अगर ये वैल्यू ऑफ वन कॉइन अगर इधर आ जाए तो कोई परेशानी है इसके अपॉन में, तो आप बोलोगे कोई परेशानी नहीं होगी। अब नंबर ऑफ कॉइन्स, अब मुझे हर तरह के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, अगर मुझे उनका रेशियो मिल जाए तो मैं टोटल जब 378 कॉइन्स हैं तो मैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कि किस रेशियो में मुझे करना है। तो जैसे रेशियो के से क्या मतलब, जैसे मुझे मान लो 60 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और मुझे पता लग जाए 2:3:1 में करने हैं, तो मुझे पता लग जाएगा ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, रेशियो पता लग जाए। वैसे ही अगर मुझे कॉइन्स का रेशियो पता लग जाए तो 378 टोटल की वैल्यू रही होगी और तो मैं इंडिविजुअल की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा रेशियो निकालने के लिए, अमाउंट का रेशियो दिया है 13:11:7। अब उसका क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ वन कॉइन का रेशियो क्या होगा, 1 रुपीज़ 50 पैसे कॉइन का क्या मतलब होता है, 1/2 रुपीज़ 25 पैसे का क्या मतलब होता है, 1/4 रुपीज़। अब मुझे पता है जब मैं किसी भी संख्या से रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उड़ जाएगा। और ये 13:2 और ये ऊपर जाएगा 1/2, तो यानी 22:2, ये 7 ऊपर, ये 4 ऊपर जाएगा यानी 28। ये आ गया कॉइन्स का रेशियो, ये क्या आ गया कॉइन्स का रेशियो, ये क्या था अमाउंट थी, ये क्या थी अमाउंट, और ये क्या था वैल्यू ऑफ वन कॉइन। तो वैल्यू ऑफ अमाउंट से वैल्यू ऑफ वन कॉइन का रेशियो निकालेंगे तो किसका रेशियो आएगा, कॉइन्स का रेशियो। तो कॉइन्स का रेशियो आ गया 13:22:28। अब टोटल कॉइन्स कितने हैं और इसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रुपी कॉइन को, 1 रुपी के कॉइन को, ये तो पता ही है 1 रुपी के कॉइन को, दूसरे नंबर पे 50 पैसे को दूसरे नंबर पे और थर्ड नंबर पे 25 पैसे कॉइन्स को। तो अब ये 13:22:28 क्या आ गया कॉइन्स का रेशियो। तो टोटल कॉइन्स थे कितने, 378 और ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 63 यूनिट की वैल्यू। तो हमें तो कितने यूनिट की चाहिए, हमें हर टाइप के कॉइन बताने हैं, तो 13 यूनिट किसके रहे होंगे, 1 रुपी के कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी के कॉइन रहे होंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार 6 टाइम जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 78। अब अगर वहीं 50 पैसे कॉइन्स की बात करें, 50 पैसे कितने कॉइन्स होंगे, मुझे पता है एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई है, फिर से ऐसे लिख दूँ 378 कितने की वैल्यू है, 63 की, तो 22 यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो यहाँ से 6 टाइम जाएगा ये, और 22 × 6 टाइम यानी 132 कॉइन्स आ गए। अब मुझे किसके कॉइन निकालने, 25 पैसे के। तो या तो मैं इन दोनों को ऐड करके 378 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ या उसको सेपरेट निकाल लूँ, तो वो आप कैसे भी निकाल सकते हो। मैं क्या करूँगा, इसको 78 और 1328 132 को ऐड कर दूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0
वन और टू वन जीरो, टू वन जीरो हो गया, तो ये इसको 378 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 25 पैसे के कॉइन आ जाएंगे या 28 की वैल्यू निकाल देना। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरी टू डिफरेंस ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, जो जैसा भी क्वेश्चन में दिया बस वैसा लिखते जाना दे, यानी कि सम ऑफ सैलरी क्या होगा ए प्लस बी, और डिफरेंस ऑफ सैलरी, अब डिफरेंस या तो बी माइनस ए रहा होगा ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया सैलरी ऑफ, इफ ए सैलरी हाइएस्ट, अगर ए की बड़ी है तो ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा 11/1 के इक्वल होगा। लेकिन अब क्या दिया है एंड रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ बी एंड सी, सम ऑफ सैलरी ऑफ बी एंड सी, तो बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, ये भी किसके इक्वल होगा 11/1 के। अब यहाँ पे सी माइनस बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सी को क्या बताया लोएस्ट बताया, तो लो सबसे बड़ा ए हो गया तो, और बी हो गया मिडल में, तो मिडल में तो यानी बी माइनस सी हो गया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी दो फ्रैक्शन इक्वल में दी हूँ और यहाँ पे कुछ जुड़ता हुआ नजर आए कुछ घटता हुआ वही सेम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या लगता है सी एन डी रूल लगता है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो अब यहाँ पे जब सी एन डी लगाएंगे तो यूजिंग सी एन डी रूल, यूजिंग सी एन डी रूल तो क्या हो जाएगा, जब सी एन डी क्या होता है ए अपॉन बी, सी एन डी पहले जान लेते, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इफ ए अपॉन बी देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसी के तो इक्वल होता है सी एन डी रूल। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है ए प्लस बी, बी का काम कौन कर रहा है ए माइनस बी, तो जब ए प्लस बी ऊपर ऐड करेंगे किसको ए माइनस बी को अपॉन फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, इधर भी लगेगा दोनों साइड लगता है वो, तो जैसे जैसे सी प्लस डी होता है, सी का काम कौन कर रहा है 11, तो यानी 11 प्लस 1 बी अपॉन 11 माइनस 1, तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, बचे नीचे बचेगा 2 भी ऊपर बचेगा 2 है तो 2 ए अपॉन 2 भी, तो 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा ए अपॉन बी, और इधर क्या बचेगा 11 प्लस 1 12, 12 अपॉन 10, यानी कि 12 अपॉन 10 का मतलब क्या भी होता है 6 अपॉन 5, ए अपॉन बी की ए रेशियो भी क्या आ गया 6/5। ऐसे ही जब इधर लगाएंगे तो बी अपॉन सी भी क्या आ जाएगा, सिमिलरली इधर भी लगाएंगे तो बी अपॉन सी क्या आ जाएगा 6/5 भी आ जाएगा। जब बी अपॉन सी ए अपॉन बी 6/5 आ गया, बी अपॉन सी 6/5 आ गया, तो यहाँ पे तो मुझे बी 5 दिख रहा है, यहाँ पे बी 6 दिख रहा है, तो बी को सेम होना चाहिए, तो सेम 5 और 6 को क्या बनाएंगे उनका एलसीएम दैट इज 30, तो 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, अब सेम हो गया ये, अब कंपेरिजन कर सकते हैं। अब तीनों की सैलरी का सम क्या दिया है ₹182,000, तो ₹182,000 दिया है, तो यहाँ से अगर मैं ए इज टू बी इज टू सी की बात करूँ तो कितना होगा, ए कितना हो गया यहाँ से 36, बी कितना हो गया 30 हो गया, और सी कितना हो गया 25 हो गया, तो 36:30:25, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया यहाँ पे, कितने यूनिट हो गया 36 प्लस 25, यानी कि कितना हो गया 61 प्लस 30, यानी कि 91 यूनिट, और 91 यूनिट ही सवाल में किसके बराबर दिया है, क्योंकि उनकी सैलरी तो बराबर ही हुई, उनकी सैलरी का सम ए प्लस बी प्लस सैलरी का सम, यहाँ पे भी यहाँ पे 91 यूनिट है, यहाँ पे रुपीज़ में कितना 182,000, तो 91 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 182,000 किसके रुपीज़ के बराबर, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2,000 रुपीज़ के बराबर। तो अब मुझे किसकी सैलरी पूछी है, बी की सैलरी पूछी है, बी की सैलरी थी कितनी 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 60,000 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से बताता हूँ, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी देख के मेरे मन में क्या आया, और दोनों दो फ्रैक्शन दिए हैं इक्वल दिए हैं, तो मैंने कहा सी एन डी लगाते हैं, सी एन डी लगा के ए अपॉन बी मिल गया, इधर भी बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी देख के यहाँ भी सी एन डी लगा दिया, फिर बी को इक्वल कर दिया,
और जब बी को इक्वल कर दिया तो ए एस टू बी एस टू सी मिल गया, ए एस टू बी एस टू सी मिल गया, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 91 यूनिट हो गया। और 91 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्योंकि उनकी सैलरी हो गई ए प्लस बी प्लस सी की टोटल, तो उनका टोटल सम कितना दिया सवाल में 182000 के बराबर दिया, तो 91 यूनिट की वैल्यू 182000 के बराबर हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपीज के बराबर हो गई और 30 यूनिट की वैल्यू 60000 रुपीज के बराबर हो गई। और किसी की सी की पूछता तो 25 × 2000 हो जाता, तो 50000 हो जाता। ऐसे ही अगर ए की पूछता तो 36 × 2000 हो जाता, तो उसका भी आंसर आ जाता। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।